डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है उनका, तो संपूर्ण जो टीचर समुदाय होता है उनका सही पूछो तो उनका जन्मदिन आज ही होता है, जैसे मैं हूँ तो मेरा जन्मदिन आज ही होना चाहिए। उन्होंने एक अपने शिष्यों से एक प्रॉमिस करवाया था कि मैं चाहता हूँ कि वो शिक्षक भी थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है एक अध्यापक भी थे, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा जन्मदिन है वो मेरे जन्मदिन के तौर पर ना मनाकर इसे संपूर्ण जो भारत में है इनको हमारे ही जन्मदिन पे शिक्षक दिवस के नाम से मनाया जाए। ठीक, ये 5 सितंबर 1962 को पहली बार भारत में शिक्षक दिवस मनाया गया था, 5 सितंबर 1962 को पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। ये इतने अच्छे वक्ता थे, एक बार ये इंग्लैंड गए वहां पर एक व्याख्यान दे रहे थे तो एक अंग्रेज ने इनका मजा लिया कि भाई आप जो है भारत में कोई गोरा है कोई काला है कोई कुछ है कोई कुछ है, मतलब अलग अलग समुदाय अलग अलग जातियां वो तमाम तरह चीजें होती हैं, हमारे यहां देखिए सब एक ही तरह होते हैं गोरे गोरे से, तो ये जो है बहुत हाजिर जवाब थे, ये तुरंत उत्तर देते थे किसी बात का। इन्होंने कहा कि श्रीमान ऐसा है कि जो घोड़े होते हैं ना घोड़े वो सब अलग अलग रंग के होते हैं लेकिन गधे सब एक ही तरीके के होते हैं, गधे हैं वो सब एक तरीके के होते हैं, आप सब जो है गधे हैं सब गोरे गोरे हैं सब। ठीक, तो उनका मतलब ये था कि जो हमारा नजरिया होता है, अब इसको विशेष ध्यान देना बेटा कि ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे, सम पीपल मिसिंग अबाउट दैट कि ये राष्ट्रपति भी थे, जी बिल्कुल राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन। अब हम जो है क्या करते हैं थोड़ा सा कि जैसे भी गुरु और शिष्य ये दूषित कहां से हुआ, आप आए दिन आप देखते हैं कि टीचर्स बच्चों से उलझ जाता है, बच्चे टीचर से उलझ जाते हैं, तो ये जो गुरु और शिष्य का जो सामंजस्य होता है ये बन नहीं सकता, कहां नहीं बन पाता, आप समझते ऐसा क्यों हुआ, जब हमने शिक्षा को व्यवसाय बना लिया, क्या बनाया व्यवसाय। अगर आपको कभी भी इस चीज को समझना हो कि ये व्यवसाय कैसे नहीं बना तो आप मेरी क्लास में, आप जानते हैं जब आप मेरे यहां पढ़ने के लिए आए तो पहली बार क्या दी गई, आप एक अच्छे शिष्य हैं कि नहीं है, आप क्या आपकी फीस है, आप तो कब जमा करते हैं कब नहीं जमा करते हैं, इसका मायने क्यों नहीं रखा जाता, क्यों, क्योंकि हमारा आपका जो संबंध है वो गुरु और शिष्य का है। अब ये लोगों ने आज जो व्यवसाय जिन्होंने बनाया इस चीज को, गुरु जो होता है, अगर गुरु अकेले है, आप मेरी बात सुनिए, अगर मुझे जितने बच्चे यहाँ बैठे अगर सर इनको पता चल जाए कि सर को ये तकलीफ है, आप यकीन कर लीजिए ये मुझसे ज़्यादा तकलीफ होता है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा जो उनके साथ व्यवहार है वो गुरु की ही तरह है, कभी भी इसको व्यवसाय नहीं बनाया। तो जब भी आप ये समझो आप जब खुद गुरु बने या खुद शिक्षक बने इसका विशेष ध्यान दें कि व्यवसाय ना बनाएं, जैसे आप उसको व्यवसाय बनाएंगे वहाँ गुरु और शिष्य का जो ताल्लुकात होता है वो समाप्त हो जाता है, फिर वहाँ पर विवाद होने लगते हैं। सो प्लीज़ डोंट मेक एजुकेशन लाइक अ बिजनेस, इफ यू आर गोइंग टू मेक अ बिजनेस देन देयर इज नो रिलेशनशिप रिमेन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। आप रास्ते में कहीं खड़े मैं रहूं और आप दौड़ के आए सर प्रणाम करने के लिए, ये कहलवाने के लिए गुरु बनना पड़ता है। अगर आप में वो चीज़ें नहीं हैं जिसे मैं आपके यहाँ बहुत दिनों तक पढ़ाया, मैं बहुत उम्र दराज नहीं था, ऐसे नहीं था कि मैं बहुत एज थी, मैं आप ही के समकक्ष में था और आप ही के साथ में रहता था। कभी आपने सुना कि सर ने आज किसी लड़की को बहुत डांट दिया, किसी लड़की को बहुत मार दिया, किसी लड़की को कुछ बोल दिया, जी नहीं। सबसे बेहतर रिजल्ट अंग्रेजी का आता था, इसलिए नहीं आता था कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता, इसलिए आता था क्योंकि हम मैं अपने छात्रों के साथ गुरु और शिष्य के साथ रहता था। जिस दिन से आपने गुरु का आदर करना शुरू कर दिया मैं इस बात का दावा करता हूं आप कभी फेल नहीं हो सकते हैं, लेकिन गुरु का आदर जरूर करिए। आप जानते हैं गुरु का क्या रोल होता है, अगर मैंने मेनका को बता दिया कि बेटा 2 और 2 5 होते हैं और मेनका अपने घर गई और वहां मेनका के मम्मी पापा ने कहा कि बेटा 2 और 2 4 होते हैं, मेनका 2 और 2 4 कभी नहीं मानेगी,
गुरु जी ने बताया कि दो और दो पांच होते हैं, ये होता है गुरु का अपना कथन। उसकी झूठी बात को भी हम सच मान लेते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारा गुरु है। तो गुरुओं की जिम्मेदारी बनती है कि वो पहले वो आप सोचे कि उनकी कीमत क्या है और अपनी कीमत को गंदा ना करें। ठीक, अगर आप उनको इस तरह की ऐसी कीमत दी जाती है कि उनकी झूठी बात को भी सच मान लिया जाता है तो कृपया जो गुरु हो वो झूठ ना बोले क्योंकि उनकी उस बात को छात्र जो होता है वो सच मान लेता है। हाँ, स्थितियां परिस्थितियां, हाँ आपके साथ उसने क्या झूठ बोला हो, जब आपको कभी लगे कि इनके झूठ से हमारा नुकसान हो गया, आप सम्मान फिर भी उसका करेंगे, आप सम्मान उसका, आप जो रिस्पेक्ट होता है आप फिर भी उसका करते हैं, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं खोट रह जाती है कि ये जो है शायद गुरु जी ने ठीक नहीं किया। सम्मान आप फिर भी करते हैं, आप इसको मान लीजिए। और गुरु, आप जानते हैं सचिन तेंदुलकर के गुरु का क्या नाम है, आचरेकर साहब हैं। आप सुनिए, आचरेकर ने पूरे जिंदगी में अंतरराष्ट्रीय मैच खेला ही नहीं और सचिन तेंदुलकर दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। आप मुझे बताइए, जो क्रिकेट का भगवान कहा जाता हो, क्रिकेट का भगवान कहा जाता हो, आप वो अपना गुरु रखता हो? बेटा बिना गुरु के आप अपनी सफलता को कभी बेहतर नहीं बना सकते, अब मिलेगी नहीं आपको। आप जानते हैं कर्ण बहुत बड़ा योद्धा था, अर्जुन बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन इनको पता था कि हम बिना गुरु के सफलता नहीं पा सकते हैं। आप जानते हैं इस चीज को बनाना पड़ता है, आप इसको समझिए। सर हमारे क्लास में आते हैं मेरी चीजों को जानने के लिए कि हमारा अपना क्या नॉलेज है, शायद अगर ये मुझे रोके भी, आप ऐसा मत करिए, लेकिन मैं भी इनको पहले पैर छू लेता हूं। आप जानते हैं कि यहां बात नॉलेज की नहीं है, नॉलेज में मैं गुरु जी बात नहीं कर रहा हूं, पूरा जिला एक तरफ आ जाए, आसपास नजर नहीं आएंगे मेरे को। बात नॉलेज की नहीं है, बात ज्ञान की नहीं है, बात यह है कि आपको कोई गुरु है कि नहीं है, आप किसी को गुरु जी बोलते हो नहीं बोलते, वो बात होनी चाहिए। जिन्होंने मुझे पढ़ाया, क्या आपको लगता है कि मैं अगर आज उनसे कंपटीशन कर लूँ ज्ञान में, तो क्या आपको लगता है कि मैं बहुत पीछे होने वाला हूँ? क्योंकि ये अलग बात हो जाती है, लेकिन गुरु का होना जरूरी होता है कि आप जब वही आपको पुश आउट करेगा, वही आपको पुश करता है कि भाई आप आगे जाओ। और सुनिए, एक गुरु हमेशा चाहता है कि उसका शिष्य जो है उससे ऊपर चला जाए। आप जानते हैं मृगेंद्र जी ये हमारे साथ बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, ठीक, इन्होंने जब मुझे कहा सर मुझे कॉलेज में पढ़ाना है, तो पता है सबसे ज़्यादा खुशी किसी होती, मुझे हुई। क्यों हुई? क्योंकि मुझे ये लगा कि हमारा कोई शिष्य जब पढ़ाने के लिए जाएगा तो इससे लोग ये ज़रूर पूछेंगे भाई ये पढ़ाया तो का, तो इनको मुझे हर कदम पर जब जब अच्छा पढ़ाएंगे सर मुझसे बार बार पूछते हैं सर कहाँ पढ़े आप, तो आपको बार बार गुरु का नाम आपकी जुबान पे आएगा। ये आपकी सफलता ये आपकी नहीं है, जब आप कहीं पर अपना परचम गाड़ते हो, कहीं आपका झंडा लहराया जाता है, तो आप तुरंत पूछते हो, आपसे कोई पूछता है कि भैया ये बताइए आप कहाँ पढ़े हैं, अरे वो हमारे सुधाकर सर हमें पढ़ाते थे, हरिओम सर हमें पढ़ाते थे। तो उस गुरु का जो इंपॉर्टेंस होता है वो वहां बढ़ जाता है जब आप इस चीज को फील करते हैं कि उसने मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा किया। आपने मुझे कभी भी देखा कि मैं आपको किसी चीज के लिए परेशान कर रहा हूं? आप बड़े स्टूडेंट्स हैं, मैं छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाता, इतनी बार डांटता हूं और इतना डांटता हूं कि मतलब अगर घर पे इतना कोई डांट दे तो आप मम्मी पापा से बात नहीं करोगे एक दो दिन, या फिर आपका सबसे बड़ा गुस्सा आएगा हम खाना नहीं खाएंगे। मैं आपको एक दिन बहुत डांटता हूं, अगले दिन आप फिर टाइम से क्लास में क्यों पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं ये ठीक है, लेकिन हम जो है गुरु जी के यहाँ जाएंगे तो हमें वहां से कुछ मिलने वाला है, और ये भरोसा हो जाता है कि नहीं ये हमारे गुरु जी हैं, ये हमारे साथ गलत नहीं कर सकते हैं और कभी भी इनसे जुड़ के हमारा गलत नहीं हो सकता है। सो गुरु जो होता है बेटा, ये चीजें आपके पास है ठीक है, लेकिन ये जो गुरु है इनको बात समझना चाहिए। पता मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ किनसे, गुरुओं से है, क्योंकि इनका तरीका बहुत बुरा लगता है। ये आपको क्या आता है क्या नहीं आता है इससे मतलब नहीं रखते हैं, इनका मतलब एक 28 दिन पूरा हो गया, 29 दिन पूरा हो गया, 30 दिन पूरा हो गया, कल फीस लेके आना। वो बच्चा जो है जब 29 तारीख को बैठेगा, 30 तारीख को बैठेगा, उसके दिमाग में ये डर रहेगा गुरु जी कब फीस मांगी है,
वो उस दिन उसकी क्लास की ऐसी की तैसी, वो सब खराब उसकी। क्यों? क्योंकि वो जो है ये डरा हुआ है गुरुजी फीस कब मांगेंगे, यानी कि वो हमारे टॉपिक पे ध्यान नहीं दे रहा है। आपके घर वाले पूछते हैं, आपके घर वाले यहां तक क्या परेशान हो जाते हैं, आप जब वहां से गुस्सा होते हैं यहां क्या पूछते हैं, सर फीस बताइए। घर वाले पूछते हैं भाई ना, क्यों रोज पढ़ने जाती है, फीस उसको नहीं देते, ऐसे लोग पूछते हैं। मैं आज तक कभी भी किसी छात्र से तब तक फीस नहीं लिया जब तक मुझे लगा नहीं ये हमारा शिष्य होने के लायक है या फिर उसको कुछ आता है, ये मेरे यहां पढ़कर इसने कुछ सीखा। अगर आप नहीं सीख पाए, अगर गुरुओं में संतोष करने की आस्था दम, तब वो गुरु का पद ले, और अगर व्यवसाय करना है तो किराने की दुकान खोल ले, वहां हर रोज पैसा आता है। ठीक, वो किराने की दुकान खोल ले, वहां हर रोज पैसा आता है। गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो पैसों का नहीं होता है, वो धन का नहीं होता है, दक्षिणा का होता है। और दक्षिणा जो होती है वो मांगी नहीं जाती। गुरु क्या दिया जाता है, पैसा कि दक्षिणा? दक्षिणा मांगी जाती है, दक्षिणा मांगी नहीं जाती है। मैं इसको समझता हूं, मैं इसको जानता हूं, मुझे नहीं सुधारना यहां के गुरुओं को, लेकिन इसको ध्यान दीजिएगा कि गुरु बनने के लिए, इस ओहदे यहां पर आने के लिए, जहां मैं बैठा हुआ हूं यहां बैठने के लिए मैंने कितना पसीना बहाया है ये मेरी आत्मा जानती है। डॉक्टर बीपी सिंह केनाई हेडा डिपार्टमेंट, इंग्लिश के हेडा डिपार्टमेंट है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं बीएचयू से, हमारे लंगुआ क्लास में ग्रामर पढ़ने के लिए आए। आप सुनिए, 41 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, मेरी 29 साल एज है और 41 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। हमारी क्लास जब अंग्रेजी पढ़ने के लिए आए तो उन्होंने क्या कहा पता है कि बेटा आज लगा कि मैंने शुरू किया है पढ़ना, आज लगा मैंने शुरू किया है पढ़ना। इट डज नॉट मीन्स दैट आई एम टीचर ऑफ दैट, मैं उनका गुरु हो गया इसका मतलब नहीं हो जाता है। गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो एक दिन का नहीं होता है, आप उसको ध्यान दीजिएगा। हम आपके कॉलेज में गए, आपके प्रबंधक ने कहा सर आज हमारा क्लास आप पढ़ा दीजिए, उस एक क्लास में आपका गुरु नहीं बन जाता। गुरु का जो रोल होता है आप जानते हैं, वो जो ये पीवी सिंधु, ये जो गोल्ड मेडलिस्ट जीता था पीवी सिंधु, इनके जो गुरुजी हैं, इनके जो गुरुजी हैं पीवी सिंधु के कपड़े साफ करके सुखाते हैं। तब पीवी सिंधु क्यों, बेटा मैं साफ कर दे रहा हूं तुम जाके खेल लो, और क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिस करना है, तुम्हें आगे जाना है। सरकार ने एक नियम बनाया द्रोणाचार्य अवार्ड देने का, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिलता है, गुरुओं को मिलता है, जो कोचेस होते हैं जो टीचर्स होते हैं उनको मिलता है द्रोणाचार्य अवार्ड। अर्जुन अवार्ड किसको मिलता है, आपको मिलता है, शिष्यों को मिलता है, ध्यान अर्जुन अवार्ड उनको मिलता है। आप इसको हमेशा ध्यान दीजिए, गुरु और शिष्य का जो ताल्लुकात है आप जानते हैं। सरसा जी हमारे यहां पढ़ने के लिए आई क्लास 8th में, आपको पता है मैं डिग्री स्तर का टीचर हूं, और सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं डिग्री स्तर का टीचर हूं, सिर्फ इसलिए कि मुझे डिग्री स्तर ही आता है, मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा छोटे बच्चों को। सर ये सरसा जी, मैं इनकी विषय में आप विशेष बात बता दो, आपको ताजुब लगेगा, एक क्लास 8th में अंग्रेजी पढ़ी है और इस समय एमए होम साइंस कर रही है। क्लास 8 से आप जोड़िए 8 4 12 3 15 4 3 7 8, ये 8 साल बाद फिर से अंग्रेजी पढ़ने के लिए।